कि कोई ना कोई मेरी भी रेकी कर रहा है, हो सकता है कि कल सुशांत की तरह मुझे भी मार दिया जाए। इन लोगों ने बहुत बेरहमी से उसका पैर तोड़ा। कोई बात नहीं, हमें सजा होगी ना, हम झेल लेंगे सजा भी, पर इनको सालों को ठोक देंगे। मुंबई पुलिस से पूछो सबूत क्यों छुपाए। भैया देखिए, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं और इतने लोगों पे हमला हो गया तो हम पे भी ये करवा सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें भी तो इस चीज का खतरा है ना। शक है आपको? ये कौन बॉलीवुड वाले करवा सकते हैं, जिनके लिए नाम क्यों बताऊं मैं? हाँ। नाम क्यों मैं बताऊं? मुझे नहीं नाम, बेनकाब अपने आप हो जाएंगे। न्यूज चैनल आप लोग मुझे नाम बताना, हमें उससे मतलब नहीं। हमारा काम है सच्चाई के लिए आवाज उठाना, किसी के साथ गलत हो उसके लिए आवाज उठाना। ये अब सीबीआई वाले बताएंगे। और बिल्कुल हमें भी अपनी जान का बिल्कुल 101% मुझे भी खतरा है, मुझे भी लगता है कि कोई ना कोई मेरी भी रेकी कर रहा है, हो सकता है कि कल सुशांत की तरह मुझे भी मार दिया जाए। ठीक, अब आप मुझसे जानिए कि सुशांत को इन लोगों ने कैसे मारा। जिन लोगों ने कहा कि सुशांत ने सुसाइड किया, उनको बहुत बड़ा उनके मुंह पर तमाचा है ये बात। आपको ये देखिए ये क्या है, इधर देखिए सुशांत, जो इंसान, जो एक मिनट में दिखाती हूँ ना, जो इंसान इधर देखो, जो इंसान सुसाइड करता है ना, उसकी टांग टूटी नहीं होती, उसका पैर घुटना टूटा नहीं होता, वो खुद घुटने टूटे से लटक नहीं सकता। जो लोग कहते हैं कि सुशांत को लटका हुआ था या लटकाया गया था, कोई मुझे अपनी टांग तोड़कर, मैं तोड़ती हूँ किसी की टांग? कोई भी बॉलीवुड का, कोई भी सीबीआई का, कोई भी बड़ा अधिकारी अगर बोलता है कि सुशांत, हमने नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ उसके साथ, वो खुद सुसाइड किया, तो मैं कहती हूँ भैया मैं तुम्हारी एक टांग तोड़ती हूँ, तुम्हारा एक घुटना, तुम्हारा पैर तोड़ती हूँ, थोड़ा सा तोड़ती हूँ, ज्यादा भी नहीं, तो तुम मुझे लटक के दिखा दो। तुम मुझे लटक के दिखा दो। इन लोगों ने बहुत बेरहमी से उसका पैर तोड़ा, उसका घुटना भी टूटा हुआ, उसके यहाँ पर सारे उसके यहाँ पर वो जो पिन लगती है, क्या बोलते हैं वो, गन, स्टैन गन, उससे उस लड़के को यहाँ पर टॉर्चर किया गया। और लगातार उसके पास कुछ ऐसे सच्चाइयां थी जो वो मीडिया में बताना चाहता था, बॉलीवुड वालों को कहीं से पता लगा, क्योंकि कहते हैं ना गद्दार अपने बीच में ही होते हैं, अपने ही होते हैं गद्दार। ठीक, उसके गद्दारों ने ही किसी ने बीच में से उनको इतला दी और उस बच्चे को बहुत मारा, मार मार के उस बच्चे को कहा गया कि तुम मान जाओ, तुम पैसा ले लो, तुम ये कर लो। वो बच्चा नहीं माना, क्योंकि वो बच्चा महाकाल का भगत था, सत्य की राह पर चलने वाला था, इसलिए उस बच्चे ने किसी बात के लिए नहीं माना, कंप्रोमाइज नहीं किया, पैसे लेकर सब कुछ लेकर। और उस बच्चे का हशर क्या हुआ? मौत। उसको बेरहमी से टॉर्चर कर करके उसके गले पर उसके पैरों की हड्डियां तोड़ दी गई, उसके घुटने तोड़ दिए गए। उसको कौन सा टॉर्चर था जो उस बच्चे के साथ नहीं किया गया? और बेरहमी से आखिर में क्या हुआ? हत्या। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ उसका इंसाफ। जो भी दरिंदगे हैं, जो भी भेड़िए हैं, जो भी सुशांत के कातिल हैं, जिन्होंने इस बेरहमी से उस बच्चे को मारा है, या फांसी दे दे, या सुशांत के जितने फॉलोवर खड़े उनके हवाले कर दे, हम उन लोगों को खुद फांसी देने की हिम्मत रखते हैं। आप कैसे फांसी देंगे? भैया एक मिनट, हम कैसे फांसी देंगे? हमारे बच्चे का दोषी है अगर ये खुद कुछ, ये हम अधिकारी नहीं है, पर जनता का रोष है, जनता का नहीं, कानून हाथ में लेंगे। इन्होंने कानून हाथ में लिया, बच्चे को मारा। कोई बात नहीं, हमें सजा होगी ना, हम झेल लेंगे सजा भी, पर इनको सालों को ठोक देंगे, ठोकेंगे। ये वाली कौन सी लैंग्वेज है? बिल्कुल लैंग्वेज है।
ये वाली लैंग्वेज है, क्योंकि ये अरे संविधान से हमें भी संविधान मत पढ़ाओ, मत पढ़ाओ हमें संविधान। तुम लोग हो ना, जो तुम लोग मीडिया वाले, तुम लोग आधे से ज्यादा तुम कलेश के पात्र हो हमारे, क्योंकि बिल्कुल संविधान हमने पढ़ा हुआ है। अगर संविधान ना होता तो आज उनके घर के आगे होते, ये मैं आपको बता दूं। अगर हम संविधान ना फॉलो करते, हम बिल्कुल संविधान के हिसाब से चलते हैं। एक मिनट, हम संविधान के हिसाब से चलते हैं। अगर संविधान के हिसाब से नहीं चलते तो आज हम वहाँ बॉलीवुड के आगे बैठे होते, इनकी ऐसी तैसी करने, समझ आ गई? किसी को फांसी नहीं दे सकती। सड़कों पे उतर के न्याय की मांग तो कर सकते हैं, और जो कि कर रहे 30 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। हमने कहा कि हम फांसी, हमने एक एक आधे वर्ल्ड में कहा, तुम लोगों ने कहा अस्थमा तुम फांसी नहीं दे सकती। तुमने ये तो नहीं कहा कि सुशांत के साथ गलत हुआ, उनको सरकार फांसी दे, कहा तुम लोगों ने? तुम लोग हमारी बात पकड़ लेते एक मिनट में। बॉलीवुड से सवाल पूछिए, उनसे पूछो कितनी बेरहमी से क्यों मारा, ऐसी हत्याएं हुई है, वो सब सुसाइड नहीं थे, क्यों मारा गया उनको? मुंबई पुलिस से पूछो सबूत क्यों छुपे, क्यों उसके घर को सील नहीं किया? मुंबई पुलिस, जो उस समय मुंबई पुलिस में काम कर रहे थे, उनसे पूछिए। घर पेंट करा दिया गया, रातों रात घर पेंट करा दिया गया उसका, मतलब शर्म आती है ऐसे लोगों को। महाराष्ट्र पुलिस सरकार में, महाराष्ट्र सरकार में जो लोग थे उस समय, जो मंत्री थे, उनसे पूछिए कि ये बायकॉट बॉलीवुड, ये संविधान की बात कर रहे हो ना? हाँ, ये देखो संविधान की धज्जियां उड़ रही है, ये बायकॉट बॉलीवुड, बायकॉट बॉलीवुड, बिल्कुल। हमने संविधान की धज्जियां उड़ाते दिखा, मैं इस पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ संविधान की धज्जियां उड़ती, संविधान की धज्जियां उड़ती, ये दिखा रही हूँ, संविधान की धज्जियां उड़ती दिखा रही हूँ। बायकॉट कहते हैं कि सुशांत पे बात करेंगे, हाँ तो हम ये पोस्टर, आपने संविधान की बात की है, संविधान की आपने संविधान की बात की, हमने धज्जियां जो उड़ा रहे हैं ना, ये दिखा रही हो आप, हमें सिखा रहे हो संविधान, ये देखो बॉलीवुड को हम बॉयकॉट करते हैं। पठानिया बॉलीवुड में आते हैं। सुशांत हम शर्मिंदा है, 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 बिल्कुल हम न्याय लेकर रहेंगे, हर हालत में लेकर रहेंगे, हर हालत में। सड़कों पे आ रहे बॉलीवुड करते रहेंगे तब तक जब तक सुशांत जैसी हत्याएं होती रहेंगी, तब तक जब तक बॉलीवुड में ड्रग्स रहेगा तब तक बॉयकॉट करेंगे, जब तक वो अश्लीलता बंद नहीं करते तब तक बॉयकॉट करेंगे, जब तक वो इस हमारी संस्कृति को हनन करते रहेंगे, हम तब तक बॉयकॉट करते रहेंगे, तब तक जब तक बॉलीवुड से सेक्स रैकेट्स खत्म नहीं हो जाते, तब तक जब तक बॉलीवुड के एक्टर्स आतंकवादियों की वाहवाही करते रहेंगे। कौन एक्टर आतंकवादी भाई बताइए? सारे हैं, आप फोटो देखिए, नाम बताइए। सीबीआई हवाई नहीं चलेगी, सीबीआई बताएगी नाम, ये पोस्टर देख लो भाई, सलमान खान, शाहरुख खान, दाऊद इब्राहिम, अनिल, क्या रिश्ता है आखिर इनका?